बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा कर देता है। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ए बी सी डी करके आपको फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दिए। करना क्या है, ये जो ब्लैंक्स देख रहे हैं ना, हमें ने फिल करना है इंटीजर से, ताकि ये जो इक्वल टू में आपके पास आंसर आए है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सो ए है -3 × (blank = 27। -3 का से कौन से इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। या करेक्ट, हमें मालूम है दैट 9 3 = 27। बट यहाँ पे देखो, जो 27 है वो पॉजिटिव 27 है। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके 27 आ गया, बट ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो क्या करना होगा, तो हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, तो ये -9 आ गया, 9 3 = 27 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव का 27 रहेगा। तो A1 का आंसर है -9। आते हैं B पे। सो 5 × (blank = -35। तो अब यहाँ पे देखो, जो आंसर है वो -35 है, तो ये -35 कैसे आएगा, 7 5 = 35। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 5 = 35। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, ये माइनस के अंदर है, अब इसके आगे तो ये पॉजिटिव है और ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसके आगे तो माइनस प्लस नहीं लगा सकते, बट हम यहाँ पे जो फिल कर रहे हैं उसके आगे तो लगा सकते हैं। तो ये प्लस प्लस है, तो ये प्लस का ही 35 आएगा। अगर हम इसके आगे माइनस लगा दें, तो ये कौन सा 35 आएगा, 7 5 = 35 प्लस माइनस माइनस, मीन्स यहाँ पे आपका आंसर आ गया -7। आइए C1 देखते हैं। सो ब्लैंक मल्टीप्लाई -8 = -56। -56 आना चाहिए। अब एक चीज देखो, 7 8 = 56 करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें 7 7 8 = 56 माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, नो माइनस माइनस फिर प्लस 56 आएगा पॉजिटिव का। तो यहाँ पे जो 7 लिखा है वो एकदम करेक्ट है, 7 8 = 56 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -56। अब आते हैं D1 पे। सो ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 = 132। अब -12 से ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव 132 आए। अब इसके लिए तो इतना बड़ा टेबल बोले, इससे बढ़िया एक काम कर लेते हैं, 132 × 12। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 12 1 = 12 राइट, 13 − 12 यहाँ पे 1 आ गया, देन इसे 2 यहाँ पे आ जाएगा, 12 1 = 12 और ये आपका रिमाइंडर 0, क्या आया 11, मतलब यहाँ पे हम 11 डाल देंगे। बट यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव 11 हमने लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव 132 है, तो क्या कर दोगे, इसके आगे माइनस का साइन लगा दोगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 × 12, सो पॉजिटिव 132 आएगा। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी इसे सॉल्व कर दिया, और ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।